हाय गाइस, वेलकम बैक टू मॉडर्न फूड। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं रक्षाबंधन के लिए स्पेशल मिठाई इंस्टेंट चॉकलेट पेड़ा। ये बनाने में बहुत ही आसान है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इस रक्षाबंधन इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो आइए बनाते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल इंस्टेंट चॉकलेट पेड़ा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। चॉकलेट पेड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले एक नॉनस्टिक पैन में 2 चम्मच घी लेंगे और साथ में हम डाल देंगे 1 कप मिल्क पाउडर। आप यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट के लिए कटोरी या कप सेट कर सकते हो और सारे मेजरमेंट फिर हम उसी कटोरी या कप से करेंगे। मिल्क पाउडर के साथ हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप चीनी। चीनी आप पीसी भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप खड़ी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हो। चीनी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दूध। दूध यहाँ पे उबाल के रखा हुआ दूध हमने इस्तेमाल किया है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और फ्लेम को लो से मीडियम पे रखेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम को हम ज़्यादा तेज नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा मिक्सचर बहुत जल्दी जल जाएगा। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर देखेंगे मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पतला होगा क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगा, तो ये थोड़ा सा पतला होगा, ऑलमोस्ट मिल्कमेड की कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। और आप देख सकते हैं वीडियो में ये बिल्कुल मिल्कमेड जैसा दिख रहा है ना। इस टाइम पे अगर हम इसे पकाना बंद करके गैस से हटा दें तो ये हमारी इंस्टेंट मिल्कमेड तैयार हो जाएगी। बट हम यहाँ पे इसका मिल्क पेड़ा बना रहे हैं, चॉकलेट मिल्क पेड़ा बना रहे हैं, तो हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और गाढ़ा होके ये पैन ना छोड़ दे, तब तक हम इसे पका लेंगे। इसे गाढ़ा होने में कम से कम 10 मिनट लगेगा, हम इसे लगातार चलाते हुए 10 मिनट तक पका लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हो अब ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, बस ये थोड़े टाइम में पैन को छोड़ देगा, बस हमें इसे लगातार चलाते रहना है। आप वीडियो में देख सकते हो हमारे मिक्सचर ने पैन को अच्छे से छोड़ दिया है, ये एकदम तैयार है। इस वक्त पे हम इसका गैस ऑफ कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर, वही कोको पाउडर जो हम चॉकलेट केक बनाने में इस्तेमाल करते हैं या फिर आइसक्रीम बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वही कोको पाउडर हम इसमें डाल देंगे और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे हमें गैस नहीं ऑन करना है, गैस बंद करके इसे अच्छे से मिला देना है। और आप देख सकते हैं अब कोको पाउडर अच्छे से मिक्सचर में मिक्स हो गया है, हमारे इंस्टेंट चॉकलेट पेड़ा का मिक्सचर एकदम रेडी है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा होने देंगे। हमारा बैटर अब ठंडा हो चुका है, अब हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े तैयार करने के लिए हम सबसे पहले अपने हाथों में घी लगाएंगे। घी लगाने से हमें इसे शेप देने में आसानी होगी। हम एक छोटे से नींबू के आकार का मिक्सचर अपने हाथ में लेंगे, उसका गोलाकार बनाएंगे और उसे थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे, फिर अपने अंगूठे से उस पर एक थोड़ा सा बीचों बीच उसके दबा के एक इम्प्रेशन बनाएंगे, जैसे मार्केट में पेड़ा मिलता है बिल्कुल वैसे ही। फिर हम उस पेड़े के बीच में थोड़े से पिस्ता रख देंगे और हल्का सा उसे उंगली से प्रेस कर देंगे और हो गया हमारा इंस्टेंट चॉकलेट पेड़ा एकदम रेडी। ऐसे ही हम बाकी सारे मिक्सचर का पेड़ा तैयार कर लेंगे और हमारा चॉकलेट पेड़ा एकदम बन के रेडी है। बस हम इसे 1 से 2 घंटे सेट होने के लिए रख देंगे, फिर ये बिल्कुल मार्केट की तरह हो जाएगा। ये देखिए, हम आपको एक पेड़ा ब्रेक करके दिखाते हैं, इसका टेक्सचर भी आपको बिल्कुल मार्केट की तरह दिख रहा है, जैसे हम बाहर से खरीद के लेके आते हैं बिल्कुल वैसा ही, और ये टेस्ट में भी आपको वैसा ही लगेगा। तो इस रक्षाबंधन इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।